और अब हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी और finance.com के टेक्निकल रिसर्च हेड सर्वेश श्रीवास्तव। आप दोनों का ही स्वागत है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मयूरेश, कैसे आ सकते हैं विप्रो के नंबर्स और क्या करना चाहिए, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? आफ्टरनून हेमन जी, मेरे हिसाब से आई थिंक जो डॉलर आई में ग्रोथ है वो 3.2 से 3.5% के बीच में रहनी चाहिए, और जैसे एक मैनेजमेंट ने गाइड किया था मिडल ऑफ द गाइडिंग पॉइंट रह सकता है बिटवीन 1890 टू 1900 ऑड मिलियन डॉलर्स। जहाँ तक इबिट मार्जिन का सवाल है, मुझे लगता है जो ग्लोबल IT सर्विसेज हैं जो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इनके रेवेन्यूज़ का, 19 से 20% के बीच में इबिट मार्जिन आनी चाहिए। और क्लासली आई थिंक यू प्रॉब्ली लुकिंग एट मैनेजमेंट कॉमेंट्री। आई थिंक एनर्जी वर्टिकल कैसे परफॉर्म करेगा, इनके जो एक्विजिशन आए हैं लार्जली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैसी होगी फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY17, और अगेन गाइडेंस। मेरे खुद के अनुमान में आई थिंक 2 से 4% का एक गाइडेंस बैंड देंगे स्पेसिफिकली फॉर Q1, और वैल्यूएशंस के मद्देनजर भी आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट क्वाइट रीजनेबल वैल्यूएशंस। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर नंबर्स इन एक्सपेक्टेड लाइन्स आए तो स्टॉक आई थिंक बहुत उछलेगा भी नहीं, बहुत गिरेगा भी नहीं, और लार्जली आई थिंक मैनेजमेंट कॉमेंट्री के ऊपर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स शायद विप्रो के डिटरमाइन। ओके, चलिए, तो मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखना होगा डॉलर आए क्या निकल कर आती है कंपनी की, और बायबैक का प्राइस क्या आता है, कितना बायबैक करते हैं, सब की डिटेल्स भी आज शाम को आ जाएंगी। सर्वेश भी है हमारे साथ। सर्वेश, सर्वेंद्र, आप देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, और अब 130 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 1% की तेज़ी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करेंगे, और कोई PSU बैंक या फिर प्राइवेट बैंक जहां पर आपको लगता है तेजी करके पैसा बन सकता हो? नहीं, बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी बहुत क्रिटिकल जगह पर ट्रेड हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 16,400, 16,500 अगर आप 4 हफ्ते के हाईज देखें वो सब उसी रेंज में कहीं 16,400 के आसपास लास्ट 4 हफ्ते के हाईज हैं। तो जो हफ्ता बीच में नीचे भी बंद हुआ था उसका भी हाई करीब 16,400 के आसपास ही है, और जो लास्ट 3 हफ्ते से हम उस लेवल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 16,400, 16,500 के आसपास डेफिनेटली प्रेशर है। ये जरूर मान लें, सब लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी ने अपने लॉन्ग टर्म 200 एवरेजेस निकाल दिए हैं, बट बैंक निफ्टी ने नहीं निकाले हैं, और ये काफ़ी बड़ा इंडेक्स है और ये वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। तो अब इसका निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अपना लॉन्ग टर्म 200 एवरेज निकालता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि मार्केट के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ अटक गया तो अपने साथ साथ निफ्टी को लेके अटकेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा स्ट्रेच्ड है निफ्टी भी, बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच पे है और दोनों अटक सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूर बनता है। ओके, थोड़ा कॉशियस रहना यहाँ पर बनता है। बैंक निफ्टी अभी 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला है तो थोड़ा चिंता की बात जरूर है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन पिछले 15-20 मिनटों में हमने देखा है बैंकिंग शेयरों में आता हुआ। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं ट्रेडर्स की डिमांड पर कौन से स्टॉक्स हैं और क्या राय हमारे एक्सपर्ट उस पर रखते हैं। किरण यादव प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के, वो कह रहे हैं कि जेट एयरवेज में खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी सारे दर्शकों ने इसके ऊपर सवाल हमसे पूछे और हमने पूछा किरण से कि क्या करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं होल्ड करिए अगर आपके पास ये शेयर है। टारगेट वो दे रहे हैं 644 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको, 615 का। नालको एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने ज़बरदस्त अप मूव देखा था सोमवार के सेशन में, आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, और ट्रेडर्स ने इस पर भी अपना सवाल हमसे पूछा और हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि यहाँ पर भी होल्ड करना चाहिए, और भी खरीद सकते हैं आप। 41 के स्टॉप लॉस और 46 के टारगेट हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो अभी हमें व्हाट्सएप करिए, 7045220000, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ओके, और आप देखिए, अब 7920 का लेवल आपको निफ्टी पर देखने को मिल रहा है, 7950 का हाई था, तो हाईस के हम करीब जाने की वापस से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को इस समय मिल रही है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स मजबूत हैं और वेदांता जैसे शेयर देखें 9-9% की बढ़त इस समय आपको दिखाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक जिन्होंने सोमवार को अपने नतीजे पेश किए थे यहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो बात बाजार की, लेकिन कल का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी ग्लोबल खबरें हैं। ECB की एक बैठक होने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं इस बैठक से, क्या निकल कर आ सकता है, इस पर बात करते हैं। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए।
देखिए आप हेमंत, यहाँ पे कल जो बैठक होने वाली है बड़ी अहम है। असल में दोहा की जो बैठक फेल हुई है उसके बाद से इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्कुल नहीं है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ाने के लिए लगातार ECB जोर लगा रहा है। अभी वहाँ पे करीब 2% इन्फ्लेशन रखने का टारगेट है, लेकिन अभी है नहीं, लेकिन इसको काफ़ी हद तक धक्का लगा है, क्योंकि अगर प्राइसिंग नहीं बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन नहीं आएगी, तो आके अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक जान नहीं आएगी, क्योंकि डिफ्लेशन से वो देश अभी तक जूझ रहे हैं और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। तो दो इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ है कल जो ECB की बैठक से साफ निकल के आने वाली है, वो ये है कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर शायद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाए, लेकिन हाँ फ्यूचर गाइडेंस दी जा सकती है, क्या सितंबर में और ब्याज दरें घटाई जाएंगी या फिर जून में, या फिर घटाई जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो गाइडेंस को लेकर कल बाजार काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंस रखेगा ECB को लेकर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर रहेगी कि बॉन्ड बाइंग, क्योंकि पिछली बार भी बॉन्ड बाइंग उन्होंने की द्रागू साहब ने की ECB की तरफ से होती हुई दिखी थी, तो द्रागी साहब ये हो सकता है इस बार ये भी कहें कि ये बॉन्ड बाइंग जो है अगले हाफ ईयर के लिए यानी कि अगली छमाही के लिए भी आगे जारी रह सकता है और टिल मार्च 17 तक ये जारी रह सकता है। इसको लेकर कल बाजार सुनना चाहेगा, अगर बॉन्ड बाइंग आगे भी जारी रहती है तो बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अब इन्फ्लेशन के साथ साथ बॉन्ड बाइंग के साथ साथ अगर वो ये भी बयान दे देते हैं कि जो पिछली बार हमने अब ब्याज दरों को नेगेटिव किया था वो थोड़ा हिस्ट्री डिसीजन था, अगर इस बार ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं थोड़ा रैशनल होकर डिसीजन करें, जैसे हमने फेड की तरफ से बयान आते हुए देखे थे, शायद ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो कल बाजार सुनना चाहेगा। तो पहला पॉइंट तो रैशनल डिसीजन के तौर पर, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कितने खरीदे जाते हैं अगले 6 महीने के अंदर, और तीसरा कि ब्याज दरों को लेकर कटौती होगी या नहीं होगी, उसकी जो गाइडेंस आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कल ECB की बैठक में। ओके, तो ECB की इस बैठक पर नजरें बनाए रखेंगे और दुनिया भर के बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं देखेंगे। शुक्रिया आपका डिम्पी। फिलहाल यूरोप हल्के नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए और हम उसके सामने टिके रहने की, जूझने की पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों के दौरान कुछ और ऐसे स्टॉक जिनमें काफ़ी मूवमेंट आई है उन पर नज़र डालें, तो एक छोटा स्टॉक होगा मंगलम सीमेंट का, जहां पर हमने एक अच्छा स्पाइक देखा है करीबन 8% के आसपास का आते हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले आधे पौने घंटे के अंदर यहाँ पे 3.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि इनफैक्ट पूरे दिन के ट्रेड का तकरीबन 60% है। तो ज़्यादातर इंटरेस्ट अभी अभी यहाँ पर आता हुआ आपको इस छोटे स्टॉक में दिखाई दे रहा है। मयूरेश, क्या आपकी नज़र है इस पर या फिर कोई और मिड कैप सीमेंट आप पसंद करते हैं? आफ्टरनून प्रदीप जी, मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे एक रियल GDP ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं 7.5% की, सीमेंट वॉल्यूम डिमांड 1.5 गुना होता है इस GDP मल्टीप्लायर के, तो 10% के आसपास ग्रो नहीं चाहिए ना। और ये जो नीच कंपनीज हैं जो साउथ बेस्ड हैं या जो केटर करती हैं स्पेसिफिक रीजन्स में, उनको एक बेनिफिशियल फैक्टर हो जाता है, क्योंकि वो जो रीजनल स्प्रेड होता है उनको और जो कॉस्ट होती है प्रोवाइड करने की सीमेंट, आई थिंक इट हैज मच लोअर लेवल्स। दूसरी बात, आई थिंक जो इनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं इसमें एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म। आई थिंक जनरली आई थिंक जो 70-75% पे हम यूज टू हो गए थे ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ सीमेंट कंपनीज, वो रेशियो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकता है अगले 9 से 12 महीनों में। तीसरा, आई थिंक अगर हम कॉस्ट की बात करें स्पेसिफिकली इनपुट कॉस्ट की, तो काफ़ी कंपनियां पेट कोक यूज़ कर रही हैं, कोकिंग कोल की प्राइसेस में गिरावट देखी है हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो बिनाइन कॉस्ट की वजह से जो EBITDA पर टन होगा वहाँ पर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। और विद वॉल्यूम इंक्रीज जो रियलाइजेशन है सीमेंट कंपनियों के लिए वो स्टेबल होंगे और इंक्रीज होंगे गोइंग फॉरवर्ड एज द एंड यूजर डिमांड हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रो होता है। तो लार्जली आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। विद इन दीज स्टॉक्स आई थिंक मुझे लगता है जो अल्ट्राटेक होल्ड करता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए लार्ज कैप नेम्स में। मिड कैप्स नेम्स में आई थिंक जेके लक्ष्मी सीमेंट, मंगलम जो होल्ड करता है उनको होल्ड करना चाहिए, आई थिंक काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं। और इवन समथिंग लाइक एन ओरियंट सीमेंट जिसने नई कमीशनिंग की है, मुझे लगता है आई थिंक इफ यू लीव दिस क्वार्टर एंड द नेक्स्ट, अगले कुछ क्वार्टर के नंबर्स इंप्रूवमेंट काफ़ी ड्रास्टिकली हो सकती है और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी काफ़ी ह्यूमंगसली ग्रो हो सकती है। तो यस, आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर पे हम पॉजिटिव उलझान रखते हैं एंड दीज स्टॉक्स शुड डू वेल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं सीमेंट कंपनियां, ये रहा हमारे एक्सपर्ट की। लेकिन ट्रेडर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स पर वो सलाह चाहते हैं, हमसे लगातार पूछ रहे हैं। और आइए एक और राय आपके सामने रखते हैं। टाटा मोटर्स की DVR पर सवाल पूछा है काफ़ी सारे लोगों ने, हिमांशु शर्मा ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ के, उनकी क्या राय है? वो कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स के DVR को आप खरीद सकते हैं 299 रुपये पर, 294 पर एक स्टॉप लॉस रखें, 315 का टारगेट भी रखें। HCC पर भी काफ़ी लोगों ने अपने सवाल पूछे और उसका जवाब भी हिमांशु दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 21 रुपये पर आप HCC खरीद सकते हैं, 2370 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए, और 20.70 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, इसको नोट कर लीजिए 7045220000। और आप किसी भी सवाल पर जवाब जानना चाहते हैं
तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मयूरेश जोशी और सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर एक राय ले लेते हैं। दबाव में आज कारोबार हो रहा है, आइडिया पर 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। सर्वेंद्र, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? एक अच्छा मूव सोमवार को इसमें देखने को मिला था और खबरें भी यहाँ पर पॉजिटिव आई थी कि डॉट विचार कर रहा है कि एक तरह की फ्लैट स्पेक्ट्रम फीस रखे 4% के आसपास की, लेकिन लगता है सेलॉन न्यूज़ वाला मामला हो गया। डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मोमेंटम इस बाउंस में जो एक 105-110 से जो बाउंस आया है 120 तक का, इसमें थोड़ा मोमेंटम डेफिनेटली मिसिंग है। तो मे बी ये एक फाइनल रीटेस्ट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस, शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स का एक बार फाइनल टेस्ट करने आ रहा है कि हाँ क्या वो स्ट्रेंथ अंडरलाइंग ट्रेंड में नीचे है कि नहीं है। तो वो नंबर्स मेरे हिसाब से करीब 110-111 के आसपास एक बार वापस रीटेस्ट करने आ सकता है, और अगर वो कामयाब हो गया, अगर वो 110-111 का लेवल इस बार होल्ड हो गया, तो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट एक महीने के लिए आइडिया काफी अच्छा एक बाय साइड का स्टॉक हो सकता है। ओके, तभी आप देखें कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स या थीम्स जो मार्केट में है। मेवरेश, इस वक्त आप आज देख सकते हैं कि आइसक्रीम कंपनियों में बड़ी अच्छी तेजी देखी जा रही है। एसी की एक थीम काफी वक्त से लगातार चल ही रही है, आपको इस थीम के हिसाब से क्या पसंद है जो आप रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? आइसक्रीम खाना तो काफ़ी पसंद है प्रदीप जी, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक कंपनी बाय कंपनी एक नंबर्स देखने बहुत ज़रूरी होंगे फॉर दीज मैन्युफैक्चरर्स। एसी एज अ थीम या एयर कंडीशनिंग एयर कूलर स्पेस में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आई थिंक विद जो समर्स हैं चल रहे हैं, Q3 के और Q4 के और Q1 के नतीजे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। मुझे लगता है मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी एविडेंट हो सकता है, टॉप लाइन ग्रोथ कैन बी क्वाइट रीजनेबल फॉर दीज कंपनीज। तो अगर हम बात करें ब्लू स्टार, वोल्टस, आई थिंक दे शुड परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। इनकी जो रूम कूलिंग सोल्यूशन है, आई थिंक दिस डिवीजन शुड परफॉर्म वेल। स्टील सॉल्यूशंस में आई थिंक एक पिकअप इन केपेक्स के वजह से आई थिंक थोड़ी डिलेड एक्टिविटी देखने मिल सकती है लैग इफेक्ट से, बट इफ दैट हैपेंस आई थिंक इवन दैट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस शुड डू वेल। तो क्लियरली आई थिंक एज अ थीम मुझे लगता है आई थिंक ब्लू स्टार, सिम्फनी, आई थिंक ये स्टॉक्स के नंबर्स काफी अच्छे डिलीवर हो सकते हैं और मैं पॉजिटिव मोमेंटम इन स्टॉक्स में कंटिन्यू करना चाहता हूं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स टू से थिंग्स। चलिए, तो मयूरेश को तो आइसक्रीम खाना पसंद है और एसी वाले शेयर और कूलर वाले शेयर भी उनको अच्छे लग रहे हैं। ये बताइए चार्ट्स पर सर्वेंद्र, इस थीम पर आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए फेडर्स लॉयड जो एक स्टॉक है वो अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली ऐसा लगता है कि 8-10% और इन लेवल से चल सकता है। तो उस थीम में तो एक यही स्टॉक है, ज़्यादा तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ उस थीम में, उस सेक्टर में स्टॉक्स, बट फेडर लॉयड तो मेरे ध्यान जहन में आता है अभी। ओके, इसके अलावा सर्वेंद्र, क्या DCB बैंक आप अभी भी लेकर जाना चाहेंगे या आपको लगता है कि काफ़ी तेज़ी हो चुकी है क्योंकि पिछले दो दिनों में ही करीब 13% चल गया है ये स्टॉक? देखिए, अब जो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके तो डेफिनेटली अब ये काफ़ी अच्छा एक बाउंस 75 से लेके 95 तक का एक अच्छा मूव खत्म हो चुका है, इन द सेंस कि अब उसको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं इस पर थोड़े से लॉन्गर टर्म चार्ट देखूँ तो डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म बाय रहेगा ये स्टॉक, और अगर ये इसमें कोई भी नेक्स्ट 5-10% का करेक्शन आता है तो कोई भी ट्रेडर जो 6-9 महीने की अवधि के लिए ट्रेड बना सकता है उसको मेरा मानना है कि अराउंड 85-88 के सपोर्ट एरिया में DCB बैंक एक बहुत अच्छा बाय बनता है। स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरा मानना है कि ऊपर की तरफ घूम गया है और नंबर्स ऊपर तो काफ़ी अच्छे कर सकता है, बट फिलहाल के लिए अगर कोई 85-88 के बीच में ले रहा है तो ये मान के चले कि 120-130 तक के टारगेट तो उसको देखने को मिलेंगे। IPO का सीजन गर्मी पर है और आप देखिए थायरो केयर का जो प्राइसिंग है वो सामने आ गई है, 420 से 446 का उन्होंने भाव तय किया है, 650 करोड़ रुपए के आसपास का इशू है, 27 तारीख को खुलेगा। लेकिन कल लिस्टिंग होने वाली है इक्विटास की और माना जा रहा है कि एक दमदार लिस्टिंग हो सकती है। अच्छा प्रदर्शन देखने को भी मिला था इस स्टॉक में जब IPO खुला हुआ था। ये बताइए इसके चलते SKS में कुछ तेजी का आप कॉल बनता है क्या? चार्ट्स पर कैसा लगता है आपको सर्वेंद्र? SKS माइक्रो तो देखिए इस मूव में तो काफी अच्छा चल गया है, बट डेफिनेटली अगर आप उसके वीकली सेटअप्स देखें तो करीब लास्ट टाइम दो बार ये जाके करीब 580 के आसपास से अटका है, 580-590 की रेंज में अटकता है स्टॉक। तो अगर ये ऑलमोस्ट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग दैट नंबर, आई थिंक एग्जैक्ट नंबर लें तो 589.60 और दूसरा एक हाई उसका अगर देखें तो वो भी एक 590 के आसपास, तो 590 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज चाहिए आपको। अब 6 रुपये बाकी हैं, अब यहाँ से नया ट्रेड तो इनिशिएट तभी करें जब ये 600 को डिसाइसिवली क्लियर कर ले और क्लोज कर दे, और जिस दिन 600 को क्लोज करे उस दिन व्यूअर्स ये जरूर देखें कि क्या वॉल्यूम में थोड़ा सा एक्सपेंशन है कल, मतलब 10 डे एवरेज पे क्या एक 10-15% का एक्सपेंशन है। अगर वो है
तो ये स्टॉक 600 के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कर सकता है और उसमें करीब 15-20% तो ये इमीडिएटली उसके बाद चल सकता है। ओके, तो इस पर नजर रखेंगे आप खास तौर पे, लेकिन इस वक्त 3 बजे हैं और 3 बजे हम हर रोज आपको बताते हैं निफ्टी की कॉल। सबसे पहले विशाल मलकान malkansview.com के, निफ्टी पे बाय कॉल दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 7865 पे, टारगेट 7975 के, 2-3 दिनों के लिए ये कॉल विशाल की ओर से। इसी बीच अमित हरजिगर की राय भी आपके सामने पेश करते हैं ए प्लस एनालिटिक्स के, वो कह रहे हैं कि निफ्टी को खरीद कर जाना चाहिए, आज आपको टारगेट दे रहे हैं 8000 का और 1-2 दिन का ये टारगेट है, 7850 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। सर्वेंद्र भी हमारे साथ, सर्वेंद्र बताइए निफ्टी पर आपका क्या कॉल है? इस समय बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सहारा दिया है और 7900 के ऊपर हम कारोबार कर भी रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी ने जैसे इसके पहले निफ्टी का चार्ट एक्सप्लेन किया था, अगर अब क्योंकि ये ट्रेड वैसे तो फाइनेंस में हमारा व्यू शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म अवधि तीनों के लिए बुलिशी है, बट अब जैसे प्रदीप जी एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर मैं लास्ट 2 दिन के बाद देखता हूँ निफ्टी पे तो एक हैंगिंग मैन और दूसरा आज एक हल्का सा रेड बेल्ट होल टाइप का पैटर्न बना है और विच इज़ बेरिश और क्लोज अभी तक मान लें कि 3 बजा है, अभी 1 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आ रहा है तो इसका कलर भी रेड होगा। ये दोनों पैटर्न ऐसा बताते हैं कि ये दोनों स्टॉलिंग पैटर्न हैं। इसको जब मैं बैंक निफ्टी के साथ रखता हूं और बैंक निफ्टी 200 डे एवरेज पर अटक रहा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि नेक्स्ट 2 दिन के लिए मैं तो शॉर्ट करना चाहूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा मैं करीब 7980 के ऊपर, 7981। बहुत बड़ी खबर आ रही है सीएनबीसी आवाज पर, ये एक्सक्लूसिव खबर है, सरकार रोक लगाने पर विचार कर रही है चने के कारोबार पर, चना वायदा पर रोक लग सकती है। हम आपको ये बता दें और एक बार जल्दी से हाजिर करेंगे चना वायदा का भाव इस समय कमोडिटी बाजार में किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सीएनबीसी आवाज पर ये हम खबर आपको दे रहे हैं कि चना वायदा पर रोक लग रही है, जिस तरह से हमने देखा चना वायदा में जोरदार रनअवे रैली देखने को मिली और उसके बाद एक्सचेंजेस ने इस रैली को रोकने के लिए लिमिट्स लगाई, उसके बावजूद हमने देखा चने में तेजी बरकरार थी और अब सरकार हरकत में आती हुई। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय कुछ देर में जुड़ेंगे जो आपको और विस्तार से बताएंगे इस खबर के बारे में, लेकिन अब आप देखिए चना के वायदे में अब रोक लगने वाली है, ये जानकारी सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दे रहे हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लक्ष्मण बताइए क्या है पूरी जानकारी? अभी अभी फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने ये जानकारी दी है कि चना वायदा पर सरकार रोक लगा सकती है, रोक लगाने पर विचार कर रही है। ये दरअसल जो दाल की कीमतें हैं उसमें भारी बढ़ोतरी को देखकर सरकार ने ठोस रणनीति बनाई है कि इसको कैसे काबू पाया जाए, और फूड मिनिस्टर का कहना है किसी भी तरह से जो बनावटी भाव है उसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और चना वायदा एक इसकी बड़ी वजह हो सकती है और इसे चना वायदा पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक वायदा कारोबार में कीमतों को देखा जाएगा और जो फ्यूचर मार्केट में कीमत उसको देखा जाएगा, और फिर भी वायदा कारोबार में कीमतें बढ़ती हुई दिखी तो फिर सरकार इसके वायदा कारोबार को रोक लगा सकती है। फिलहाल सरकार का कहना है कि 80,000 टन चना अभी रबी सीजन में खरीदेगी, 20,000 टन मसूर खरीदेगी और सरकार के पास अभी जो बफर स्टॉक है उसमें 50,000 टन तुअर और उड़द सरकार के पास बचा हुआ है और राज्यों से कहा गया है कि वो तुरंत अपनी डिमांड बताएं और कहा कि जितने भी जमाखोर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और राज्यों से कहा गया कि स्टॉक होल्डिंग भी लिमिट लगाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि चना के वायदा कारोबार पर आने वाले दिनों में रोक लग सकती है। ओके, तो ये खबर फिलहाल हमारे सामने आती हुई एक्सक्लूसिव जानकारी और खाद्य मंत्री के हवाले से ये खबर लक्ष्मण रॉय फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कमोडिटी गुरु चंद्रशेखर जी भी जुड़ चुके हैं। सर क्या कहना है आपका, ये खबर को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ऐसा है कि अब हार्वेस्ट सीजन है और एक सरकार का अनुमान में 80,00,000 टन का उत्पादन है, मगर मैं समझता हूँ जरा सा रेन डैमेज काफी हुआ है तो 70,00,000 टन का आसपास मैं अनुमान लगाता हूँ उत्पादन का, तो इस संदर्भ में भाव नहीं बढ़ना चाहिए, व्हेन देयर इज हार्वेस्ट प्रेशर भाव नहीं बढ़ना चाहिए, मगर कहीं किसी भी राज्य में सिवाय राजस्थान किसी भी राज्य में चना के ऊपर कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक इन्वेंट्री बना रहे हैं अभी और इन एंटिसिपेशन ऑफ हायर प्राइसेस, और तो मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है कि इस टाइम जहां जब हार्वेस्ट प्रेशर है तब भाव बढ़ने लगा है, तो इसमें
एक जांच होने की जरूरी है। तो आपको लगता है कि सरकार का जो ये कदम है जिस पर विचार कर रही है वो सही दिशा में है, क्योंकि अनाप शनाप दाम बढ़ रहे थे जिसका नुकसान आम लोगों को भी हो रहा था, और हमने देखा आज सुबह इस तरह की खबरें भी आती हुई कि केंद्र सरकार कह रही है कि चीनी पर भी स्टॉक लिमिट लगा देना चाहिए और राज्यों से वो कह रही है, तो बढ़ती हुई जो कमोडिटी की कीमतें हैं खास तौर पर खाद्य की पदार्थों की कीमतें हैं उसको रोकने की कोशिश सरकार कर रही है चंद्रशेखर साहब? हाँ वो तो जरूर उनकी कोशिश तो यही है, मगर एक चना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर्स प्राइसेस है और स्पॉट प्राइसेस है उसमें कोई बड़ा फासला नहीं है। स्पॉट प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो स्पॉट प्राइसेस बढ़ने का क्या कारण है, क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री बिल्ड कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और राज्य सरकारों का एक बड़ा जिम्मेदारी है टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर प्राइस राइज। सिर्फ फ्यूचर मार्केट को सस्पेंड करने से क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी हमें सोचना है, मगर स्पॉट मार्केट जो है, फिजिकल मार्केट जो है, वहां भी हमें ध्यान देना चाहिए। मगर सरकार जरूर चिंतित है, मैं जानता हूं केंद्र सरकार चिंतित है कि चीनी के भाव बढ़ रहे हैं और चना के भी भाव, दालों के भी भाव भी हद से बाहर जा रहे हैं, तो दे विल टेक ऑल काइंड ऑफ एक्शन, तो उसका तैयारी, द ट्रेडर्स हैव टू बी रेडी टू फेस ऑल काइंड ऑफ एक्शन। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल दाम बढ़ते हुए और उसका असर आप देख रहे हैं, सरकार ने फिलहाल एक कदम जरूर उठाया है। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के रवि सिंह भी जुड़ रहे हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कैसी खबर होगी अगर चना वायदा पर रोक लगाई जाती है तो? देखिए, फिलहाल तो अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि कोई वायदा पर रोक लगाने से चने के प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकते। पहला कि अगर आप इसके साथ देखें, चाहे टमाटो देखें, अनियन देखें या फिर अदर जो जिनकी वायदा बाजार में ट्रेडिंग नहीं होती है उनको लेकर के भी रेट बढ़ते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वायदा बाजार में सिर्फ ट्रेडिंग रेट रोक लगा देने से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें पहले तो बिचौलियों को कम करना चाहिए, प्लस जिन्होंने स्टॉक लिमिट कर रखा है उनको, उनके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसका असर एक बार को ये होगा कि थोड़ा सा वायदा बाजार में जरूर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें अनाउंसमेंट अगर ये करती कि वो जो भी स्टॉक जिनके पास है उनके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो शायद चने के या फिर जो अदर कमोडिटीज हैं उनके दाम में शायद थोड़ी गिरावट देखने को ज्यादा मिलती है। चंद्रशेखर साहब, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या, रोक लगा देना एसेंशियल कमोडिटीज में किसी चीज को डाल देना और उसकी ट्रेडिंग रोक देना ये शायद हल नहीं है, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ना बेशक, क्योंकि एक तो टेम्पररी हल हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन हमें उत्पादन सप्लाई साइड से ही निकालना पड़ेगा, तो वी नीड टू हैव बेटर सप्लाई साइड रिस्पॉन्सेज, उसके लिए वी नीड टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, दीज आर लॉन्ग टर्म इश्यूज। मगर अब शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ चना के ऊपर जो स्टॉक लिमिट नहीं है वो स्टॉक लिमिट को लाया गया, तो शायद भाव स्पॉट मार्केट में, फिजिकल मार्केट में भाव घटने का एक मौका है। तो आई थिंक क्योंकि स्टॉक लिमिट जो है पिछले अक्टूबर नवंबर में भी हमने देखा था, जैसे ही स्टॉक लिमिट आया तो भाव घट गए, भाव कम हो गए, तो इस बार भी जो अनसीजनल इंक्रीज इन प्राइसेस जो हो रहा है, द ओनली वे टू कंट्रोल दीज प्राइसेस इज टू इम्पोर्ट स्टॉक लिमिट, मगर ये सब जिम्मेदारी राज्य सरकार का है, तो केंद्र द्वारा कुछ डायरेक्टिव राज्य सरकार को जाए तो शायद देयर बी एक्शन, तो टेम्पररी रिलीफ तो जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर जी, लेकिन ये जो तमाम बातें हैं इस पर जब भी कोई किस तरह की रोक लगती है या रोक की बात चलती है तो हम चर्चा करते हैं, हर बार यही कहा जाता है कि ये तो कोई तरीका नहीं है कंट्रोल करने का और आपको सीखने की जरूरत है, नए जमाने के साथ चलने की जरूरत है, तो क्या ये सरकार समझ नहीं पा रही है या समझना चाहती नहीं है? नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर जरूर मैं समझता समझ नहीं पा रही है, पुट इट दैट वे, समझने से इनकार तो नहीं करती है मगर शायद समझ नहीं पा रहे हैं, काम करते हुए दिखना चाहते हैं इसलिए इस तरह की कुछ कदम उठा लेते हैं। हाँ, देनी ऐसा मुझे लगता है कि उनको दिखाना है लोगों को कि हम कुछ कदम उठा रहे हैं, तो इसके लिए ये जो भी कदम उठाते हैं स्टॉक लिमिट या सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग उसका निर्णय वो लेते हैं, मगर दे नीड सरकार को
सरकार के अंदर कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च कैपेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, उनको फॉरवर्ड गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, उनको मार्केट में क्या हालत है, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी इन द मार्केट प्लेस, उसके बारे में जानकारी बहुत कम है. तो इसका परिणाम है नी जर्क रिएक्शन. जब भी भाव बढ़ता है दे कम अप विद सम नी जर्क रिएक्शन. चीनी का भी हालत यही है पिछले दो. शेखर जी, ये फैसला सरकार की ओर से लिया जाना है या सेबी की ओर से फाइनली? नहीं, मैं समझता हूँ सेबी की ओर से ही निर्णय लिया जाएगा या अनाउंस घोषणा किया जाएगा, मगर सेबी भी जरूर इसके बारे में सोचती होगी, सरकार में भी, वित्त मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय में भी इसके बारे में सोचते होंगे. देखो दे विल बी इन कंसल्टेशन, दे विल बी इन कंसल्टेशन एंड टेक जॉइंट डिसीजन. अगर इसका घोषणा होगा तो सेबी द्वारा ही होगी. बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का इस पूरे चर्चा में जुड़ने के लिए. और चने के ऊपर अगर आप देखें तो इस वक्त करीब एक रुपए के आसपास की गिरावट. इस खबर के आने के बाद जो हमने आपको दी है एक्सक्लूसिव जानकारी सीएनबीसी आवाज पर, उसका असर आज कमोडिटी मार्केट्स पे देखने के लिए मिला. 50-60 रुपए ऊपर था जब ये हमने खबर ब्रेक करी थी और उसके बाद तेज प्रेशर यहाँ पर ऊपरी स्तरों से देखने को मिला है. और अभी ये रामविलास पासवान जी का बयान है जो उन्होंने बाहर आके दिया है. अब देखना होगा सेबी, जैसा कि आप कह रहे हैं, जिनको ये फाइनल ऑर्डर देना है अगर इस पर रोक लगाना है तो वो कब तक आता है, किस रूप में आता है. बहरहाल कमोडिटी मार्केट सेबी के हाथ में आने के बाद मुझे लगता है कि पहला इस तरह का ये निर्णय होगा. और चूंकि हम ये मानते हैं कि सेबी ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से सोचती है, इसलिए देखना होगा. बिल्कुल, चलिए तो इंतजार करते हैं. लेकिन इस समय रामविलास पासवान जी ने खुद क्योंकि ये कहा है इसीलिए यहाँ पर तेज दबाव ऊपरी स्तर से जरूर देखने को मिल रहा है. चलिए, हमारे साथ हमारी एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं. हमारे साथ अब नताशा शंकर जुड़ चुके हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च यस सिक्योरिटीज की. स्वागत है आपका मैम. आज बिल्कुल सीमित दायरे में देखिए कारोबार हो रहा है भारतीय बाजारों में, लेकिन अच्छी बात ये लग रही है कि 7,900 के ऊपर कम से कम टिका हुआ है निफ्टी. कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को आप? देखिए अभी मार्केट में वॉलिटिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि रिजल्ट सीजन एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर है. और जहाँ जहाँ कंपनीज थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट करती हैं एस्टिमेट्स को, हमने देखा ही है कि जब भी पिछले रिजल्ट सीजन में भी ऐसा ही हुआ था कि एस्टिमेट्स ऑलरेडी रिवाइज डाउन है और उसको देखते हुए अगर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आता है तो एक नीचे रिएक्शन देखने को मिलता है. उसकी वजह से मार्केट्स जो हैं, हम लोग का यही एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये साइडवेज मूव करेंगे विद प्रोबेबली एन इंक्रीज. तो वॉलिटिलिटी यहाँ से थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आएगी. TCS में क्या हुआ है? नंबर्स तो अच्छे दिख रहे थे, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस 3,000 के ऊपर के लेवल्स भी अपग्रेड करके दे रहे थे, लेकिन आज ये शेयर 3% कमजोर है. कैसे रीड किया आपने इनके नंबर्स को? हमारा व्यू तो TCS पे अभी न्यूट्रल ही है क्योंकि ऑल्दो उनका वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा है, लेकिन एक तरफ से थोड़ा सा प्राइसिंग में इनफैक्ट जो रियलाइजेशन है उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है. उससे ज़्यादा उनके मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिला है. अगले क्वार्टर में ये मार्जिन प्रेशर थोड़ा सा और प्रोनाउंस हो सकता है क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पर्टिकुलरली डिजिटल साइड में, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म इनफैक्ट नियर टर्म मार्जिन प्रेशर होने के चांसेस काफ़ी हैं. एक बार ये मार्जिन प्रेशर ख़त्म हो जाए उसके बाद में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना डिजिटल की तरफ में इन्वेस्टमेंट किया है, डिजिटल कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं, उस तरह से अगर देखते हुए चला जाए तो उनका ग्रोथ का काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनके पास. ओके, और अब 3:15 बज चुके हैं और हर रोज हम आपको इस वक्त बताते हैं BTST या STBT यानी आज लगाओ कल कमाओ की स्ट्रेटजी. और श्रीकांत चौहान की कॉल सबसे पहले कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान वेदांता पे बाय कॉल दे रहे हैं. 104 पे लगाएं स्टॉप लॉस 112 के टारगेट. SBI दूसरा स्टॉक है उनकी पसंद का, यहाँ स्टॉप लॉस 184 पे और टारगेट 193 के. रितेश मेहता इंडिया इन्फोलाइन के, इनकी राय भी देखिए, कह रहे हैं कि कोलगेट में खरीदारी करनी चाहिए, टारगेट दे रहे हैं 875 का, 840 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए. और कैनरा बैंक पे भी खरीदारी करने की राय उनकी तरफ से निकल कर आई है, 208 का टारगेट दिया है, 198 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए. सर्वेंद्र हमारे साथ है. सर्वेंद्र, BTST करना चाहेंगे STBT? नहीं, मैं तो STBT करना चाहूँगा. निफ्टी में भी मैं लेवल्स दे दूँ, शायद आपके प्रेशर में वो बात कट गई थी. निफ्टी में मेरे सेल साइड के टारगेट्स हैं 7761 स्पॉट में लेवल्स में देख रहा हूँ कि नीचे आ सकते हैं नेक्स्ट 102 दिन में क्योंकि पैटर्न उस तरह से बन रहे हैं. और स्टॉप लॉस लगाएंगे 8,006.60 पे. तो ये कॉल्स मैं देना चाहूँगा. और BTST में दो सेल कॉल्स हैं, एक अजंता फार्मा बेचें, टारगेट 1481 और स्टॉप लॉस उसमें है 1511.60 का. और TCS भी मैं सेल करना चाहूँगा, 2426 के टारगेट और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2466.60 पे.
ओके तो ये कॉल्स आपके लिए आते हुए फिलहाल बीटीएसटी और एसटीबीटी दोनों तरह की कॉल्स हमारे लिए निकल कर आ रही हैं। और अब हमारी नज़र है आगे आने वाले नतीजों पे, क्योंकि आज देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स रिजल्ट देख के ही चले हैं और बाजार की नज़र है इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान जिंक के नतीजों पर। क्या अनुमान है जानते हैं, हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं, हमारे रिसर्च एनालिस्ट। पूजा बताइए जी, इंडसइंड बैंक के नतीजों की अगर बात करें तो एक और स्टेबल क्वार्टर की उम्मीद है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं। हर बार जिस तरह की ग्रोथ हम देखते आ रहे हैं इंडसइंड बैंक में, वैसे ही ग्रोथ बरकरार रहेगी। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 27% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और एसेट क्वालिटी जो एनपीए के फिगर्स हैं वो भी एक जो ग्रॉस एनपीए के फिगर्स है वो भी 1% के नीचे ही रहेंगे, उसमें भी कोई स्टेबल नंबर्स रहेंगे, कोई कंसर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और जो लोन ग्रोथ है उसमें भी अच्छी बढ़त देखने की उम्मीद है, क्योंकि बैंक ने एक डायमंड बिजनेस भी एक्वायर किया है, तो उसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोन ग्रोथ में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स की बात करें तो हमारा अनुमान है कि 3.7 से 3.8% के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। बैंक की पिछले क्वार्टर में भी कॉमेंट्री थी कि वो ब्रांच एक्सपेंशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो उसके चलते हमारा अनुमान है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस बैंक के बढ़े हुए रह सकते हैं। इसके अलावा MCLR को लेकर किस तरह की कॉमेंट्री आती है, आगे किस तरह के रेट में मैनेजमेंट आगे डिसीजन लेते हुए दिखाई देगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इंडसइंड बैंक की बात करें तो ओवरऑल स्टेबल नंबर्स की उम्मीद, स्टेबल नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस इंडसइंड बैंक से की जा रही है। पूजा आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हिंदुस्तान जिंक पर भी एक आपका पोल पूछूंगा। लेकिन मयूरेश, इंडसइंड बैंक कैसे अप्रोच करेंगे और कोई ट्रेड लेना चाहते हैं नतीजों से एक दिन पहले? जैसे पूजा बता रही थी, आई मीन मेरे ख्याल से आई थिंक नंबर्स काफ़ी स्टेबल रहने चाहिए। एसेट क्वालिटी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हो वहाँ पे आई थिंक स्टेबिलिटी दिखेगी। निम्स आई थिंक आई टोटली कंकर विद पूजा, आई थिंक 3.7 और 3.8 के रेंज में आनी चाहिए। जो एडवांसेस ग्रोथ है स्पेसिफिकली कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट में, लार्जली वुड बी ड्रिवन अगेन बाय द CV बिजनेस एंड देयर लैब बिजनेस, और वहाँ पे हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। ये ट्रैक्शन बरकरार और बढ़ता हुआ दिखेगा इन टाइम्स टू कम, तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पे है दिस करंट जंक्चर, इसलिए जो इन्वेस्टर्स स्टॉक को होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सर्वेंद्र, तो ये स्टॉक करीबन 800-850 से लेकर ऊपर 1000 रुपए के आसपास जाने की कोशिश करता है और वहाँ अटकता है। इनफैक्ट पिछले सेशन में ही इसने नए हाईस बनाने की कोशिश की, दिन के दौरान बनाए भी। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में एक ब्रेकआउट की तैयारी में है या इस वक्त दूर रहना चाहिए, हो सकता है कि दबाव दिखाई दे? स्टॉक मिस हो गया प्रदीप जी मेरे से, अगर एक बार खाली स्टॉक रिपीट कर दें प्लीज। इंडसइंड बैंक, देखिए मेरा मानना तो यह है कि 980,000 पे डेफिनेटली इसको हर्डल्स हैं, और अगर लास्ट अब पांच क्वार्टर्स का हायर रेंज देख लें तो 970-980 है, तो अब इसको डेफिनेटली इसको डिसाइसिवली क्रॉस तो करना पड़ेगा। 980-985 को जब तक ये डिसाइसिवली क्रॉस कर लेगा उसके बाद ही आप इसमें एक लंबे दूरी का कॉल ले सकते हैं। बट मेरा मानना है कि एक बार इसको एक 985-990 का रेंज क्लियरली क्रॉस करने दें, क्योंकि लास्ट 6 क्वार्टर से तो मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई तो इसको, और 6 क्वार्टर बहुत होते हैं, मतलब 6 क्वार्टर से कोई इसको 970-980 के आसपास कोई बेच रहा है, तो डेफिनेटली इसको 990,000 क्लियर करने के बाद ही नया फ्रेश ट्रेड्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो स्टॉक को कुछ नहीं करना चाहिए अभी। ओके, चलिए तो ये रहा है इंडसइंड बैंक पर, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के भी नंबर्स कल आने वाले हैं। पूजा बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है? जी हिंदुस्तान जिंक से कमजोर नतीजे की उम्मीद हम इस बार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आपके पास वापस आएंगे और आपसे पूछेंगे हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। लेकिन आप देखिए बाकी के मेटल स्टॉक्स में किस तरह की तेजी इस समय देखने को मिल रही है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इवन टाटा ग्रुप की प्रदीप दूसरी कंपनियां भी देखिए, टाटा स्टील के अलावा टाटा पावर में तेजी है, टाटा केमिकल्स में तेजी देखने को मिल रही है, या टाटा मेटेलिक्स में भी अच्छी रैली है। पूरा का पूरा टाटा ग्रुप अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। पूछते हैं पूजक से वापस कि हिंदुस्तान जिंक से क्या एक्सपेक्टेशन है, हिंदुस्तान जिंक पर क्या राय, क्या पोल बता रहा है आपका? पूजा बताइए जी, हिंदुस्तान जिंक से कमजोर नतीजों की उम्मीद हम कर रहे हैं। इनकम में हमारा अनुमान है कि करीब 24% की गिरावट देखने को मिल सकती है और मुनाफे में भी दबाव देखने को मिलेगा। इनका एक माइन है रामपुरा अगुचा में, जिसमें कि कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि जो टोटल माइन प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इसके अलावा कमोडिटी के दामों में जो गिरावट हुई थी उसका भी असर हम मान के चल रहे हैं कि मार्जिन और प्रॉफिट में थोड़ा असर देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री, कैपिटल एलोकेशन को लेकर मैनेजमेंट की किस तरह की कमेंट्री निकल कर आती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कुल मिलाकर कमजोर नतीजों की उम्मीद हिंदुस्तान जिंक की तरफ से। ओके, शुक्रिया आपका पूजा। तो हिंदुस्तान जिंक पे फिलहाल
अगर हम देखें तो एक अच्छे खासे मूवमेंट यहाँ पर हो चुके हैं जब इन्होंने डिविडेंड की घोषणा की उसके बाद। शायद मयूरेश आप कहेंगे कि जो एक अच्छा मौका था इमीडिएट तौर पे वो तो हाथ से निकल ही चुका है, अब दूर रहना चाहिए। जितने आई थिंक पॉजिटिव्स आने थे प्रदीप जी, मेरे ख्याल से आई थिंक ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, नंबर्स से दिख चुके हैं। जैसे आई थिंक पूजा बता रही थी, आई थिंक जो इनका स्ट्रिपिंग चल रहा है रामपुर आगूचा में वो एक इम्पैक्ट जरूर लाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम्स पैन आउट और जैसे रियलाइजेशन पैन आउट होते हैं, क्योंकि आई थिंक जैसे स्ट्रिपिंग बढ़ाते जाएंगे आई थिंक दैट माइन नीड्स टू गेट रीएडजस्टेड स्पेसिफिकली द वॉल्यूम्स फ्रॉम दोज माइंस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते थे हिंदुस्तान जिंक के लिए, जिंक और लेड बिजनेस को उनका लेके, आई थिंक वो बरकरार रह सकता है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन cost still remaining extremely low, but generally I think ek volume ki jo hum expectation rakhte the just from this quarter's perspective I think because of this mine issues I think thoda impact aa sakta hai, aur jitni positive news aani thi specifically in terms of dividend declaration and so on and so forth mere hisab se price mein aa chuki hai abhi। I think numbers kaise aate hain aur management ka ek commentary mine production pe for the coming fiscal realization expectations and clearly jo capex karne wale hain usse cash flows pe kitna impact aata hai ye dekhna bahut zaruri hoga। chaliye to ye raha इन शेयरों पर, लेकिन ओबरॉय रियलिटी के ऊपर नज़र रखिए और देखिए किस तरह से रिकवर कर रहा है ये शेयर। सोमवार को भी मुझे याद है काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें सीएनबीसी आवाज़ ने अभी अभी आपको जो आप बताया था कि चने वायदा पर रोक लग सकती है, रामविलास पासवान से सीधी बातचीत करी सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। आइए सीधे चलते हैं, देखते हैं। आप विचार कर रहे हैं, विचार करेंगे जब रोक लगाएंगे तो बतला देंगे आपको, तब तक फैसला हो पाएगा सर कुछ। आप जल्दी बतला देंगे ना, जब भी होगा तो आप लोग विदेश में थुरके हैं कि यही है ना सब लोग, तो यही बोला क्यों रोक लगाना चाहते हैं, कोई समीक्षा की सर वायदा कवर कीमतों की क्यों रोक लगाना चाहते हैं सर? अब हमने कहा ना कुछ सरकार सारा चीज को सोच समझ करके हम विचार कर रहे हैं। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत जो लक्ष्मण रॉय कर रहे थे रामविलास पासवान जी से, उनके मुंह से आपने खुद सुना, वो कह रहे हैं कि वो विचार कर रहे हैं कि चने के वायदा कारोबार पर रोक लगा दें। और अब आप देखिए चने की कीमतें और नीचे गिरती जा रही हैं, करीब 60-70 रुपए ऊपर था चने का भाव जब हमने आपको ये खबर दी थी, और अब 20 रुपए की गिरावट, तो करीब करीब 80-90 रुपए की गिरावट ऊपर इस तरह से देखी जा चुकी है प्रदीप। बिल्कुल, इस खबर का असर आप आते हुए देख रहे हैं, अगर वायदा कारोबार पर ही बैन होगा तो जाहिर है कि आप अपनी पोजीशन जल्द से जल्द काटने की कोशिश करेंगे, वही रुख है। हालांकि अभी तक इसका निर्णय नहीं लिया गया है, पर इस पर विचार चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी थी कुछ देर पहले, और अब इस पर मुहर लगती हुई खुद रामविलास पासवान को आपने कहते हुए सुना। लेकिन इस बीच आइए देखते हैं कुछ और स्टॉक्स और किस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं उनमें। जीएमआर इंफ्रा एक इंटरेस्टिंग काउंटर है आज के दिन, कुल वॉल्यूम यहाँ पर 2.5 गुना है औसत के मुकाबले। खबर ये आ रही है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इनके कुछ ज़मीन बेचने या डेवलप करने की तैयारी हो रही है, और उसके चलते आपने ये इजाफा देखा है। नताशा कैसे देखती हैं आप इस खबर को और क्या कॉल होगी आपकी? जीएमआर इंफ्रा तो हम लोग के कवरेज में नहीं है, लेकिन अगर उनको ये मोनेटाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है लैंड को, तो डेफिनेटली कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, पर्टिकुलरली उनके डेट बर्डन को देखते हुए, क्योंकि कोई भी मोनेटाइजेशन का अगर उनको एक बेनिफिट मिलेगा तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट डेट में ही आएगा कि उनको डेट रिडक्शन का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, और काफ़ी सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ हैं प्रदीप जो आज तेज़ी दिखा रही हैं, बल्कि पूरा सेक्टर देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ। जीएमआर इंफ्रा की आपने बात करी, और देखिए IVRCL इंफ्रा कितना अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। हालांकि छोटे टिकट साइज का शेयर है, 10 रुपये ऊपर है ये स्टॉक, और 3-4 कंपनियां ARSS इंफ्रा, सिंप्लेक्स इंफ्रा, जे कुमार इंफ्रा, NCC जिनको आज ऑर्डर्स मिले हैं, वो स्टॉक्स भी देखिए मजबूती के साथ आज ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। एमटेक ग्रुप की कंपनियों पर भी नजर रखिए, यहां पर आज अचानक से तेजी देखने को मिली, हालांकि खबरें कुछ नहीं है आप देखिए, लेकिन अचानक से मूव यहाँ पर बना हुआ है मेटलिस्ट फोर्जिंग एमटेक ग्रुप के। बाकी स्टॉक्स भी देखिए बेहतरीन प्रदर्शन आज दिखाते हुए नजर आएंगे। TBZ ये एक और ऐसा स्टॉक है ज्वेलरी सेक्टर का जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 8% मजबूत है। तो प्रदीप अक्रॉस द सेक्टर कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन आज दिखाते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते आप देखिए मिड कैप इंडेक्स सुबह से ही हरे निशान में बना हुआ है। सुप्रीम पेट्रो के अच्छे नंबर्स आए, टीवी 18 और नेटवर्क 18 में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और स्टॉक ऑफ द डे आज फिर लग रहा है कि DCB है। नंबर्स के आने के बाद जिस तरह से ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, अब आप देखिए 13% मजबूती के साथ प्रदीप शेयर ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि करीब
30 लाख शेयर्स पिछले 25 मिनटों के दौरान ट्रेड हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा हिस्सा है पूरे दिन के वॉल्यूम का, करीब 40%, यानी जाते जाते भी यहाँ पर लोग खरीदारी करके जा रहे हैं DCB में, ऐसा लगता है। मयूरेश, आपकी क्या कॉल होगी, लेके जाना चाहिए? जैसे नंबर्स आए थे प्रदीप जी, मेरे ख्याल से आई थिंक एक पॉजिटिव उलझान ये बना है स्टॉक में, हालांकि मेरे कवरेज में है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक जो मैनेजमेंट कमेंट्री एक क्वार्टर दो क्वार्टर पहले आई थी ब्रांच एक्सपेंशन को लेके, और जैसे उन्होंने रिवर्स किए थे अपने कमेंट्स, काफ़ी सिलेक्टिव रहेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन या नेटवर्क एक्सपेंशन जैसे हम बात करते हैं। दूसरा आई थिंक लोन ग्रोथ को लेकर भी आई थिंक दे विल बी एक्सट्रीमली कॉशियस, क्योंकि जैसे नंबर्स आएंगे आई थिंक दे विल बी अग्रेसिव ऑप्टिमिस्टिकली, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहेंगे, जो काफ़ी पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होगा उनके एसेट क्वालिटी साइकिल में। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक पे शायद बरकरार रह सकता है। ओके, और बाजार बंद होने में कुल 3 मिनट बचे हैं, और अब आपकी नज़र होनी चाहिए यूरोप के बाजार किस तरह से रिकवर हुए हैं इस पर। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 0.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अब कुछ मार्केट्स हैं जो सुधर रहे हैं और कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जो लाल निशान से हरे निशान में आने वाले हैं। और जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तब हमने ये भी देखा था कि डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 50 अंक नीचे था, और इस समय आप देखिए वहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, डाउ फ्यूचर्स मात्र 14 अंक ही इस समय नीचे है, तो रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में, और भारतीय बाजारों को भी बुल्स को कम से कम यहाँ पर सहारा मिल रहा है इस खबर का। इसके चलते आप देखिए हरे निशान में बंद होंगे, और प्रदीप 7900 के ऊपर क्लोजिंग होनी तय लग रही है इस समय। एक अच्छी रिकवरी देखी जाएगी निचले स्तरों से, अब देखिए एक स्मार्ट मूव भारतीय बाजारों ने आज के सत्र में जरूर दिखाया है। बिल्कुल, तो ये हम देख रहे हैं लगातार एक पैटर्न बनता हुआ कि रिकवरी की कोशिश जारी है, लेकिन फाइनली क्या फिर से वो तेज़ी जो हम दो दिन पहले तक देख रहे थे एक तरफा वो रिज्यूम होती हुई नज़र आती है या नहीं, और 8000 का आंकड़ा पार होता है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कुछ एक स्टॉक्स अगर आप देखें जो आखिरी मिनटों में एक्टिव हो रहे हैं, उनमें से एक ओबेरॉय रियल्टी का भी स्टॉक है, हालांकि वॉल्यूम करीब 1.25 लाख शेयर्स का ही आपको जुड़ता हुआ आखिरी आधे घंटे में दिखाई दिया है, लेकिन अच्छा एक उछाल इस पर भी आया दिन के हाइस पे बंद होने की तैयारी में। SL प्रोपैक एक और स्टॉक होगा जहां पर हमने करीब करीब दिन के कुल वॉल्यूम का 20% के आसपास का वॉल्यूम आखिर में आते हुए देखा है, तो ये कुछ और स्टॉक्स यूकल फ्यूअल STC यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ताज GB के ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए जहां पे आज आखिरी मिनटों में खरीदारी हुई है। बिल्कुल, तो विप्रो के नंबर्स के ऊपर कल सुबह सुबह रिएक्शन देखना होगा, और अगर एक बार आप देखें तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बाजार को दरअसल आज नीचे खींचने का काम कर रहे थे, तो आप उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम देखेंगे, जी हाँ 2.5% कमजोर है ये स्टॉक, तो आप देखिए एक बार जाते आते मूवर्स और गेनर्स कौन से हैं निफ्टी के, तो आप पाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे खींचने का काम कर रहा था। कंट्रीब्यूटर्स की एक बार फेट हाजिर करते हैं और देखते हैं, तो प्रदीप अगर ये कुछ स्टॉक्स हैं देखिए जो अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, और बैंक्स उसमें हैं और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, तो ये मजबूती दे रहे हैं बाजार को। लेकिन आप देखिए 12 अंक की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाता हुआ, TCS एक बड़ा कल्प्रिट आज 9 अंक की गिरावट दिखा रहा है, तो ये दो स्टॉक्स अगर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे होते तो एक अच्छी तेजी देखी जा सकती होती, और 7950 के ऊपर भी तस्वीर काफी अलग हो सकती, जी हाँ चले जाते थे। तो ये कुछ शेयर हैं जो आज थोड़ा सा प्रेशर डालने का काम मार्केट पर करते हुए दिख रहे हैं प्रदीप इस समय। बिल्कुल, और आखिरी मिनटों में इस वक्त अगर आप देखें बाजार में और कौन से स्टॉक्स हैं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ उतार चढ़ाव दिखाने वाले शेयरों में, हमने देखा DCB और M-Tech खास तौर पर एक्टिव नजर आए। चीनी स्टॉक्स में दरअसल खबर के बाद हमने दबाव देखा, तो बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर ये नुकसान के साथ फिलहाल क्लोजिंग की तैयारी में आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से स्टॉक लिमिट लगाने की खबर आई उसके चलते दबाव देखने को मिला। LIC हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के बाद दबाव के साथ आज बंद होता हुआ नजर आ रहा है, ग्रोथ शायद बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दी है, और उसके चलते ही हमने थोड़ी सी निराशा आते हुए देखी है, जबकि अदरवाइज नतीजों के चलते हमने तमाम शेयरों में जैसे क्रिसिल और DCB की हमने बात की काफ़ी हद तक मजबूती का ही रुख देखा है। फाइनल प्रोविजनल क्लोजिंग के फिगर आपके सामने होंगे 7915-20 के आसपास निफ्टी बंद होने की तैयारी में, और सेंसेक्स 25,850 के काफ़ी करीब बंद होते हुए आपको नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक तकरीबन 150 पॉइंट के बढ़त के साथ 16,375 के आसपास एक अच्छी शार्प रिकवरी के साथ बंद होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो उन सारे इंडाइसिस में इस वक्त इनफैक्ट सबसे अच्छी स्ट्रेंथ अगर कहीं दिख रही है तो वो निफ्टी बैंक में है। तो हमने देखा कि सोमवार के दिन 7900 के ऊपर क्लोज हुआ निफ्टी, आज दूसरे दिन लगातार 7900 के ऊपर क्लोज हुआ है निफ्टी। प्रदीप अब देखना होगा कि डाओ में क्या हैट्रिक लगती है कि 18,000 के ऊपर वो तीसरे दिन लगातार क्लोज होता है US में। डाओ तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी करीब है, 2% का रास्ता बाकी है, देखने वाली बात यह है कि अब जल्दी पार हो जाए
क्योंकि जब तक वो नया हाई नहीं बना लेता तब तक थोड़ा डर रहता है कि कहीं यहाँ से फिर घूमने वाला तो नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो नया हाई बनाए ताकि हम फिर से तेज़ी पकड़ सकें। लेकिन जाते जाते फिलहाल सर्वेंद्र आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कुल मिलाकर तो एक मंदी का रुख पकड़ा हुआ है, लेकिन जो अच्छी मजबूती खासतौर पर निफ्टी बैंक ने दिखाई है, क्या लेवल अब निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए आप रखेंगे कल के ट्रेड में? नहीं देखिए, मैं कोई ज़्यादा मंदी का कोई ऐसा मेजर रुख नहीं है, मैंने बोला शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सब अप है, खाली इस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में एक छोटा करेक्शन 100 से 150 पॉइंट, और क्योंकि हम ये शो 2 से 3 दिन के अवधि के लिए करते हैं इसलिए मैंने वो सेल साइड का ट्रेड दिया है, बिकॉज मुझे एक ट्रेड तो देना ही था, तो यहाँ से लॉन्ग तो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो ट्रेड दिया है कि 7761 के टारगेट नीचे में करीब 140-150 पॉइंट के करेक्शन निफ्टी में आ सकते हैं, और एज लॉन्ग एज वो 8000 के नीचे रहता है, तो ये तो फिलहाल ये व्यू है, इट्स अ प्योर ट्रेडिंग व्यू, बट ट्रेंड डिसाइसिवली अप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको बोला लास्ट दो हफ्ते का हमको ये खाली चेक करना है कि क्या बैंक निफ्टी भी निफ्टी को कंफर्म कर रहा है। डाउ थ्योरी में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको बोलते हैं एवरेज मस्ट कंफर्म, सो दो डिफरेंट टाइप के एवरेजेस एक दूसरे को जब कंफर्म करते हैं तो व्यू और स्ट्रांग हो जाता है। तो बैंक निफ्टी अगर निफ्टी को कल कंफर्म कर देगा, कल या परसों में अगर वो कंफर्म कर देगा कि हाँ ये ब्रेकआउट डिसाइसिव है और ये ब्रेकआउट रियल है, तो मेरा ये मानना है कि फिर तो सारे शॉर्ट वॉट काट के बिल्कुल जोर से तेजी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए इंतज़ार करेंगे हम उन सिग्नल्स के कंफर्म होने का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र आपका, मयूरेश आपका और नताशा आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। और अब वक्त है स्टॉक 2020 के रिजल्ट जानने का।